Hi everyone, welcome back to my channel. So in today's video we'll be discussing some of the diagrams. अब देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि diagrams आएंगे आएंगे पेपर में हो सकता है पी वाई क्यूज रिपीट हो जाए या फिर इनका change हो के आ जाए लेकिन क्वेश्चन same ही हो like कुछ छोटी मोटी चीज़ें change रहे में, but बाकी answer same ही हो अब देखो मैंने आपको पिछली वाली लाइफ में करा दिए थे important numericals एंड इंपॉर्टेंट एम और थ्योरी पार्ट तो आपको खुद ही करना पड़ेगा सो so, मैं डायग्राम्स बता देती हूँ और बहुत सारे बोल भी रहे थे कि इंस्टेड ऑफ डूइंग द लाइव सेशन यू कैन जस्ट प्रोवाइड अस लाइक द क्वेश्चंस, सो इस वीडियो में आपको क्वेश्चन दिखाने जा रही हूँ आज मैं लाइव नहीं आऊँगी थ्री बी में सो so, उसके बदले मैंने ये वीडियो पोस्ट करने की सोची राइट तो सबसे पहला आपको क्वेश्चन आपको इस प्रैक्टिस करना है ठीक है ड्रॉ अ रे डाइग्राम टू शो द रिफ्लेक्शन ऑफ अ मोनोक्रोमैटिक रे थ्रू अ प्रिज्म एन इट सफर्स मिनिमम डेविएशन तो आपको इसमें प्रिज्म का क्वेश्चन है इसमें बोल रहे हैं कि आपको रे डायग्राम बनाना है एंड रिफ्रैक्शन शो करना है थ्रू अ प्रिज्म एंड आपको इसमें मिनिमम डेविएशन भी दिखानी है सो so ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब जो ये वाला क्वेश्चन है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है बिकॉज ये हमेशा लेबलिंग की फॉर्म में आता है द डायग्राम बिलो शोज अ पॉइंट सोर्स पी इनसाइड अ वाटर कंटेनर फोर डेज ए बी सी डी स्टार्टिंग फ्रॉम द सोर्स पी आर शोन अप टू द वाटर सर्फिस अब देखो इसमें आपको ये दे रखा है आपको सब कुछ दिखाना है आपको मैं डायग्राम दिखाती हूँ तो इस क्वेश्चन में आपको लेबलिंग करनी है कि ये वाली रेज से उन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइड करेंगे आपको आपको बनानी पड़ेगी कहाँ जाएगी ये कहाँ जाएगी ये इधर जाएगी और ये नीचे जाएगी सो so, इसमें आपसे सेकेंड पार्ट में ये भी पूछ रखा है नेम द फिनोमिना विच द रेस बी एंड डी एग्जिबिट तो बी तो एग्जिबिट कर रहा है क्या द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन ठीक है रिफ्रैक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ और डी आपको दिख ही रहा होगा एकदम क्लियरली कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है अच्छा जस्ट रैंडमली मुझे क्वेश्चन दिखे तो मैंने सोचा आपको बता दूँ ये तो आपको पता ही होगा लाउडनेस ऑफ साउंड इज एम्पलीट्यूड मतलब फैक्टर विच एफेक्ट्स एंड क्वालिटी ऑफ नोट का होता है हमारा वेफ फॉर्म एंड पिच ऑफ द नोट का फ्रीक्वेंसी अब जो ये अलग क्वेश्चन है इसके अलग अलग uh, मतलब ये क्वेश्चन ही बन सकता जरूरी नहीं कि सिक्सटी डिग्री तो सिक्सटी डिग्री आएगा पेपर में आपकी बुक में अलग अलग टाइप से दे रखे हैं सो so, इसमें क्या दे रखा है द क्रिटिकल एंगल इज़ फोर्टी टू डिग्री इन योर डाइग्राम मार्क द एंगल्स वेयर एवर नेसेसरी सो दिस इज द डायग्राम मैं जान मुझ के जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि वीडियो मतलब शॉर्ट बने आप पॉज कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो और ये जो रेडियो एक्टिविटी के छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स भी नहीं कह सकते हैं ये जो बनाते हैं हम जिसमें हमें माइनस और प्लस करना पड़ता है तो ये हमारे बोर्ड में भी आया था यूरेनियम और थोरियम का तो एक क्वेश्चन तो इसमें पक्का है ये वाला हो सकता है बट ये थोड़ा इजी फॉर्म में आपको देंगे मुझे लग रहा है इस बार और बाकी हम आते हैं पुली वाले क्वेश्चन में पुली के दो टाइप ही न्यूमेरिकल मेरी पहला तो या तो आपको खुद बनाना पड़ेगा डायग्राम एंड देन यू हैव टू फाइंड द वी आर मैकेनिकल एडवांटेज जो भी है बट कभी कभी आपको डायग्राम दे देंगे एंड वो क्वेश्चन पूछेंगे जैसे विच काइंड ऑफ पुलिस आर ए एंड बी सो इसका आंसर होगा ए इज़ अ सिंगल मूवेबल पुली एंड जो हमारा बी है इट इज़ अ सिंगल फिक्स पुली दूसरा क्वेश्चन तो मैं बोल दिया जाएगा स्टेट द पर्पज ऑफ पुली बी इसका क्या पर्पज़ है क्या सिग्निफिकेंस है क्या एडवांटेज है तो आप लिख सकते हो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू अप्लाई एफर्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन इफ़ नो फिक्स पुली बी इज़ यूज द फिक्स पुली चेंजेज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट फ्रॉम अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स मेकिंग द एप्लीकेशन ऑफ द एफर्ट मोर कन्वीनियंट एंड ईजियर क्योंकि देखो अगर हम फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे तो इट विल बी मोर डिफिकल्ट तो इसलिए हमने ये सिंगल फिक्स पुली यूज़ कर रखा है जिससे कि हमें डाउनवर्ड फोर्स लगाना पड़े इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग अपवर्ड्स अच्छा या तो आपको सिंपल बोल दिया जाएगा ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस जिसमें ये हो रहा है बट दूसरा केस ये है जिसमें आपको बोलेंगे पहला पार्ट यू हैव टू नेम द लेंस दूसरे में आपको बोलेंगे आपको रे डायग्राम बनाना है टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज अब देखो रे uh, डायग्राम बनाने के लिए छोटे मोटे रूल्स होते हैं जो ऐसे था नहीं जो फोकस से पास करता है और तो पैल वाला वो सब ठीक है तो पहले आप वो कॉन बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेना लर्न भी कर सकते हो अब डायग्राम को अगर आपको लर्न अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं बट इट विल भी बेटर इफ यू फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड देन ओनली अप्लाई इट इन द डायग्राम अब इसमें क्या है अ लेंस प्रोड्यूस द वर्चुअल इमेज बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस तो बताओ लेंस क्या कौन सा लेंस है सो द लेंस विल बी कॉन्केव लेंस अब यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम टू श्रो द फॉर्मेशन ऑफ दिस इमेज ये हो गया हमारा डायग्राम ये देखो अच्छा तो जब हमारा बोर्ड स्टार्ट होने वाला था उससे पहले हमारे सर ने हमें थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे जैसे ये वाला डायग्राम और एक ये वाला डायग्राम और यही तो डाइग्राम हमने बना रखा है देखो यहाँ से देखो ये सेम डाइग्राम है तो ये तो हो गया हमारा और कभी कभी आपसे डायग्राम पूछ सकते हैं द डिस्पर्शन बाय अ प्रिज्म अब इसमें एक चीज़ याद रखना कि हम ना अभी तो हमें याद हो, हो गया चलो ऐसा बनता है बट बाद में आप क्या करोगे आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने लग जाते हो स्ट्रेट नहीं होगी बेंड होगी बिकॉज दे आर सफरिंग रिफ्रैक्शन ठीक है थोड़ी सी बैंड बैंड बनाना और आरओज भी पक्का लगा देना तो पता है तुम जब भी डायग्राम बनाते हो पहला तो वाटर उसमें तुम वाटर डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना भूल जाते हो वो करना ज़रूर दूसरा आर ज़रूर बनाना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है आर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट अ रियल एंड इनवर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज आप एज द ऑब्जेक्ट इज ऑपटेन ड्यूरिंग यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस तो ये हो गया हमारा वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आर अ डिस्टेंस ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एट टू एफ वन एक सारी कंडीशन आपकी बुक में दे रखी है तो आप ये डायग्राम एक बार देख लो और नेक्स्ट पेंसिल वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया कि पेंसिल है तो उसने उसको जब वाटर में डिप करा तो उसका मतलब वो बेंड हो रही थी तो पहले तो पूछेंगे वर्ट चेंज इज ऑब्जर्व इन द अपियरेंस ऑफ द पेंसिल सो यू हैव टू टेल दैट ही सीज दैट द पेंसिल अपेयर्स टू बी बेंड दूसरा नेम द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑब्वियस की बात है और थर्ड में बोलेंगे ड्रॉ अ रे डाइग्राम शोइंग हाउ द आई सीज द पेंसिल ये बना देना इनको पक्का प्रैक्टिस करके जाना एक तो जो मैंने आपको बताया जिसमें आपको दे रखी थी एक मिनट आपको दिखा देती हूँ हाँ ये वाला ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम आपका पेंडुलम वाला क्वेश्चन आ सकता है आई वॉन्टेड टू टेल यू रियली इंपॉर्टेंट मतलब बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट सो इसमें है कम्प्लीट द डायग्राम इज गिवन अब बाई ड्रॉइंग द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अब देखो पता है इसमें ना आपको इसे लीड बॉक्स दे रखा है इलेक्ट्रोमै रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दे रखा है आपको दिखाना है इसकी जो भी रिफ्लैक्शन हो रही है अब देखो इसमें ना यू हैव टू मेक श्योर दैट द एल्फा रेस आर लॉन्गर दैन द बीटा रेस ये लंबा बनाना है थोड़ा छोटा बनाना ठीक है तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोल दिया ड्रॉ द डायग्राम गिवन बिलो एंड क्लियरली शो द पाथ टेकन बाय द इमोजन रे ये इसका डायग्राम हो गया मैं ये नहीं कह रही क्वेश्चन सेम आएंगे ये प्रैक्टिस के लिए हैं क्योंकि ये पता है पी वाई की यूजना हमारे जो होते हैं ना वो या तो रिपीट होते हैं या फिर वैसे ही क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि बोर्ड का पेपर में कैसे कैसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं तो हर साल अलग अलग डायग्राम्स ही आ रहे हैं अभी तक जो हमारे लेंस और इसके हैं बट हो सकता है इस बार रिपीटेड हो जाए या फिर इस बार जो क्वेश्चन लेंस का अभी तक ना आया वो आ जाए तो आप एक बार ना जैसे आपको लेंस से क्वेश्चन बताते जा रही हैं तो आप ये भी एनालाइज़ करो कौन ज़्यादा बार रिपीट हो रखा है और कौन कौन सा लेंस का डायग्राम एक बार भी नहीं आ रखा है तो या तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी ज़्यादा आने की जो एक बार भी नहीं आ रखा है क्योंकि जब आया ही नहीं है तो इस बार तो आएगा और दूसरा है तो बहुत बार रिपीट हो रखा है तो इस बार भी हो सकता है ना जैसे इसमें क्वेश्चन है एक लेंस फॉर्म्स एन इरेक्ट मैग्निफाइड एंड वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अब आप बोलोगे इमेज जो हमारी इरेक्ट अपराइट ये सब होती है इरेक्ट इरेक्ट मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज जो होती है तो उसमें लेंस ऑफ कोर्स कॉन्वेक्स लेंस ही होता है अब सेकेंड में बोल देंगे ड्रॉ लेबल डाइग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन तो ये है हमारा डाइग्राम अब ये डायग्राम्स न्यूमेरिकल डाइग्राम्स नहीं मतलब लेंस न्यूमेरिकल्स के कैसे आ सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने बोल दिया द लेंस मैंशन इन सिक्सथ पी पार्ट यानी कि जो अभी हमने डायग्राम बनाया अबव इज़ ऑफ़ फोकल लेंथ ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर अगर उसकी फोकल लेंथ ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर की हैव टू कैलकुलेट द पार ऑफ द लेंस अब कैसे करोगे लेंस की पार ये देखो पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू वन अपॉन फोकल लेंथ तो जब हमें एफ दे रखा है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर तो इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर देना दैट इज़ जीरो पॉइंट टू फाइव मीटर्स सो हमारा पावर हो जाएगी वन अपॉन जीरो पॉइंट टू फाइव दैट इज प्लस फोर डी अच्छा ऐसे क्वेश्चन मेरे प्री बोर्ड में भी आ रखे हैं वो बोलते हैं कि ये डायग्राम है आपको इसको देख के बताना है कि इसकी पिच जाती है लाउडनेस जाती है तो अगर उन्होंने बोल दिया विच वाइब्रेशन विल प्रोड्यूसर लाउडर साउंड एंड बाई तो इसका आंसर होगा वाइब्रेशन आर बिकॉज इसका एम्पलीट्यूड बहुत हाई है दूसरा द साउंड ऑफ विच स्ट्रिंग विल लीव अ मैक्सिमम श्रिलनेस अब तुम खुद देखो श्रिलनेस किस पर डिपेंड करती है पिच पर डिपेंड करती है राइट right? तो जो हमारा पी है स्ट्रिंग पी है इट विल हैव मैक्म श्रिलनेस एज्स फ्रीक्वेंसी इज मैक्सीम फ्रीकवेंसी और थर्ड है इसमें स्टेट द रेशो ऑफ द वेवलेंथस ऑफ पी एंड आर पी और आर की वेवलेंथ का रेशो निकालना है तो इसमें देखो आप ऐसे लिख देना देख लो एक बार अब ऐसे सिमिलर क्वेश्चन मेरे एक तो प्री बोर्ड के पेपर में आया था ये वाला एंड ये भी लेंजेज लॉ पे ही बेस्ड है और बाकी मेरे बोर्ड में ही वाला था कोई मेरे बोर्ड का पेपर है इसमें ये वाला क्वेश्चन आया था सो so, मैं आपको क्या बताना चाह रही थी अब देखो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं राइट हैंड थंब रूल लेंजेज लॉ और ये सारे रूल्स के बीच में आपको एक बार क्लियर करवा देती हूँ सो so, देखो इसमें राइट हैंड थंब रूल्स से क्या होता है वी गेट द डायरेक्शन ऑफ़ मैग्नेटिक फील्ड बाय फ्लैमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वी गेट द डायरेक्शन ऑफ़ फोर्स बट ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड बाय लेंजेज लॉ एंड फ्लैमिंग्स राइट हैंड रूल वी गेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूज डी अब देखो ये रिप्रेजेंटेशन इसको छोड़ दो लेंजेज लॉ क्या होता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ई एम एफ इज सच दैट इट अपजिट द कॉस विच प्रोड्यूस इट एंड ऑल्सो फैरडे के लॉबी लॉबी करके चले जाना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है अब ऐसे सेम लेंस का क्वेश्चन दे दिया जाएगा वो बोलेंगे यूजिंग थ्री रेज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए ऑब्टेन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द लेंस तो इसका आंसर ये है दिस इज दंसर ये हमारा दूसरा प्रिज्म का क्वेश्चन है यू हैव टू कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे पी क्यू टेट इमर्जेज फ्राम द प्रिज्म में पूछ लिया जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ डेवेजन ऑफ द रे एंड नेम एन इंस्ट्रूमेंट वेयर दिस एक्शन ऑफ द प्रिज्म इज यूज ये हो गया हमारा आंसर एंड ये रे डायग्राम है ऑफ इमेज फॉर्मेशन वेयर द ऑब्जेक्ट इज बी एंड टू एफ वन और इमेज ऐसी फॉर्म हो रही है अच्छा पता है किसी ने मेरे से पूछा था लाइव में कि ग्राफ वाले क्वेश्चंस आएंगे देखो क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस का आने के चांसेस लाइक कितने होते हैं थोड़े से कम होते हैं बट करके चले जाओ इसमें देख रखा पीस ऑफ आइस आट जीरो डिग्री सेल्सियस इज हीटेड एट अ कांस्टेंट रेट एंड इज टेम्परेचर रिकॉर्डेड रेगुलर इंटरवल स्टिल टिल स्टीम इज फॉर्म एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस जो अ टेम्परेचर टाइम ग्राफ टू रिप्रेजेंट द चेंज इन फेस लेबल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्राफ तो ये हो गया हमारा ग्राफ अब ये हो गया हमारा पेंडुलम वाला क्वेश्चन है पूछ लेंगे ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द एनर्जी चेंजेस इन एन ऑसोलेटिंग सिंपल पेंडुलम इंडिकेट इन योर डायग्राम हाउ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन इट रिमेन्स कॉन्सटेंट ड्यूरिंग द ऑसीलेसन तो आपको पता है जब भी एकदम सेंटर पर होता है हमारा पेंड्यूलम तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है एंड कैनड की एनर्जी होती है एम जी एच हो जाती है दैट इज़ टोटल मकैनिकल एनर्जी इज एम जी एच अब इनका भी डिफरेंट डिफरेंट होता है इसमें पी हमारा एम जी एच हो जाता है के ही जीरो हो जाता है लेकिन इसमें टोटल मकैनिकल एनर्जी एम जी एच ही रहता है सो so, इससे तो हमने ये प्रूफ कर दिया डायग्राम भी बना दी ये भी प्रूफ कर दिया कि हमारी मैकेनिकल एनर्जी हर फेज पर यानी कि हर अपने ऑसिलेसन पर पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन पर कॉन्सटेंट रहती है नाउ यू हैव टू टेल मी द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन देखो आपको पहला तो देखो क्वेश्चन क्या है एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेसड इन फ्रंट ऑफ अ लेंस बिटवीन इट्स ऑप्टिकल सेंटर ऑन द फोकस एंड फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डेमिनिश इमेज नेम द लेंस बिच फॉर्म दिस इमेज दो नेम बता देना मुझे लेंस में कॉमेंट में एंड ऑल्सो ड्रॉ रेड डाइग्राम टू थ्रो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज विद अबब स्टेटेड कैरेटरिस्टिक्स आप खुद बना सकते हैं मतलब कभी कभी ऐसा हुआ कि आपको बोल दिया जाएगा कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्या बोलते हैं इसको ओमिक दैट इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट फॉर एन ओमिक रजिस्टर देखो ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया है सो so, इससे पता चलता है कितना इम्पोर्टेंट है अब देखो सुनो ये जो बेंडिंग ऑफ स्टेक वाला क्वेश्चन है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैब है एंड वाटर कंटेनिंग वाला क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीटेड हो रखे हैं और हो सकता है इस बार भी रिपीट हो जाए ये इतने इम्पोर्टेंट डायग्राम है बस आपको प्रैक्टिस करके जाना है अच्छे से भूल मत जाना पेपर में जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे ठीक है इसको एक बार रिवाइज तो कर ही लेना ठीक है पक्का रिवाइज़ कर लेना इसको अब देखो ये तो रिपीट हो ही रखा है दूसरा वो क्या बोल देंगे देखो क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ दूसरा बोल देंगे ग्लास लैब वाला रे ऑफ मोनोक्रोमाटिक लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ ग्लास लैब Draw a ड्रॉ diagram showing the change in the path of the ray till it emerges from the glass slab. तो so, ये होगा इसका डायग्राम। रे शोइंग द रिफ्रैक्शन थ्रू ऑफ ग्लास लैब। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पैनल चाह रही है ना ये दो लाइंस। और पूछ लेंगे नेम द टू रे इज दट अल टू इच अदर इसमें हमारी इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे पैनल है दूसरे में बोल देंगे मार्क द लेटल डिसप्लेसमेंट इन योर डाइग्राम ये जो डी लिख रखा है ना ये लेटल डिसप्लेसमेंट है लेंसेज के तो ऐसे क्वेश्चन आने वाले है। पहले हैं पहले हम बोल देंगे नेम द लेंस दूसरे में बोल देंगे आपको रे डाइग्राम बनाना है एंड ऑल्सो शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज अब इसने बोल रखा इरेक्ट मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज तो हमारा लेंस कॉन्वैक्स ही होगा रे डाइग्राम की बात की जाए तो हमारा ये डाइग्राम हो जाएगा अगर हम दूसरे चैप्टर पर आए तो वो बोल देंगे ऐसा वाला डायग्राम दे देंगे देखो एक ऐसा क्वेश्चन तो आता ही आता है जिसमें ये बनाया रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेट और इसमें आपसे पुलारिटी पूछी जाती है तो अगर वो बोलेंगे वर्ट विल बी द पुलारिटी एट द एंड एक्स तो द पुलारिटी एट द एंड एक्स इज नॉर्थ अब अगर वो बोलेंगे सजेस्ट वे बाय द स्ट्रेंथ बाय विज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रो मैगनेट रेफर टू इन द क्वेश्चन मे बी इंक्रीज अगर हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रो मैगनेट का स्ट्रेंथ भी इंक्रीज जाएगा देखो अब आपने पूछा था मेरे से कि पी वाई क्यूज़ रिपीट होते हैं ऑफकोर्स वो रिपीट होते हैं अब से देखो देखो फिर फिजिक्स टू थाउजेंड नाइन के एयर क्वेश्चन में हमारा ये आया था और यही मेरा बोर्ड के पेपर में आया तो आपको दिखाती हूँ यही हमारा डिटो सेम बोर्ड के पेपर में आया था ये एम सी क्यू के फॉर्म में देखो ये जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है ओमिक रजिस्टर का दैट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस और करंट वाला ग्राफ ये वापस से रिपीट हो रखा है तो ग्राफ क्वेश्चंस पर ये इंपॉर्टेंट में हम ला सकते हैं अब ये वाला क्वेश्चन ही देख लो इसमें आपको प्रिज्म दे रखा है एंड यू हैव टू जस्ट कॉपी द डायग्राम एंड यू हैव टू कंप्लीट इट टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्रैक्टेड इमर्जेंट रे देखो रिफ्रैक्टेड में तो ऐसे ही जाएगी सीधे और इमर्जेंट में ऐसे चले जाएगी आपको डायग्राम दिखाती हूँ ऐसा और जो आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं वो बेसिकली लेंस वाले चैप्टर से ही मतलब क्योंकि देखो मैंने पिछले लाइव में तो तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करा दिए थे एक्सेप्ट ये जो लेंस वाले क्वेश्चन होते हैं जिन जिनमें आपको फोकल लेंथ फाइंड करनी पड़ती है या फिर मैग्नीफिकेशन फाइंड करना पड़ता है तो वो प्रैक्टिस कर लेना और थोड़े ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं सो दैट वॉज ऑल फॉर द वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड या ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको प्रैक्टिस करके जाना आपका फेस का पेपर डेफिनेटली अच्छा जाएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बाय